रॉबर्ट एस मैकनमारा को जेनरली वियतनाम वॉर के हवाले से जाना जाता है और इसकी बहुत सारी डिटेल्स एक डॉक्यूमेंट्री में मौजूद हैं जिसका नाम है 11 लेसन्स फ्रॉम दी लाइफ ऑफ रॉबर्ट एस मैकनमारा। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ इसको देख सकते हैं फ्रीली। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज मेड ऑन द लाइफ ऑफ समवन हु इन्फ्लुएंस द फील्ड्स ऑफ सिस्टम्स एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस एंड पॉलिसी स्टडीज अलॉट। लेकिन कुछ 7 साल का अरसा है जो रॉबर्ट एस मैकनमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी रहे। उनका रोल बहुत कंट्रोवर्शियल रहा वियतनाम वॉर में और उसी पर ही ज़्यादा लोग बातचीत करते हैं। लेकिन रॉबर्ट एस मैकनमारा को 1968 में मुख्तलिफ प्रेशर्स की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया और इसी साल उन्होंने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया जहाँ पे वो 13 साल काम करते रहे एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये 5वें सदर थे वर्ल्ड बैंक के। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें 11 लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ रॉबर्ट एस मैकनमारा तो आपको ये पता चलेगा कि रेट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने अपनी बहुत सारी गलतियों का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि रैशनैलिटी पर पूरे तौर पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, रैशनैलिटी हमें नहीं बचा सकती। और उन्होंने ये भी माना कि वियतनाम वॉर में बहुत गलतियां हुई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब वो वर्ल्ड बैंक में गए तो उन्होंने अपने मेथड्स सिस्टम्स एनालिसिस के, क्वांटिफिकेशन के, डेटा के और एनालिटिकल थिंकिंग के वो नहीं छोड़े बल्कि उन मेथड्स पर बहुत रिलाय किया वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक का जो बहुत काम था टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने पे गवर्नमेंट्स को, उससे हटा के उन्होंने वर्ल्ड बैंक को बहुत सारी नई जिम्मेदारियां असाइन की और उनके नतीजे में वर्ल्ड बैंक बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ये 13 साल का अरसा 1968 से लेके 1981 तक जो मैकनमारा प्रेसिडेंट रहे वर्ल्ड बैंक के, उससे दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आईं वर्ल्ड बैंक के काम के नतीजे में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का रोल ही मैकनमारा ने चेंज कर दिया था इस सारे अरसे में। लेकिन इस पे बहुत कम लिखा गया है, लेकिन पॉलिसी के स्टूडेंट्स के लिए उनका वर्ल्ड बैंक का कैरियर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को जिस तरह वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज़ ने चेंज किया है पूरी दुनिया में, उसको नहीं समझा जा सकता जब तक हम रॉबर्ट एस मैकनमारा के काम, आइडियाज़ और उनकी सदारत को ना समझें। तो जो बहुत बड़ी तब्दीलियां आईं वर्ल्ड बैंक में रॉबर्ट एस मैकनमारा के ज्वाइन करने के बाद, एक तो उन्होंने लैंडिंग का साइज़ बहुत बढ़ा दिया। उनका यह ख्याल था कि दुनिया को शायद क्रेडिट और पैसे के ज़रिए, इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए चेंज किया जा सकता है, और उन्होंने बहुत जो साइज़ है अपनी डेवलपमेंट लैंडिंग का वो बढ़ाया। और ये फिनोमिनल है, ये $1 बिलियन से $13 बिलियन तक बढ़ा। जो दूसरी बहुत बड़ी तब्दीली आई वर्ल्ड बैंक में, उन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स एनालिस्ट हायर किए और वर्ल्ड बैंक के स्टाफ का साइज़ बहुत बढ़ गया। और प्रोजेक्ट लैंडिंग से उन्होंने वर्ल्ड बैंक को कंट्री लैंडिंग पे लगा दिया, जिसके नतीजे में डेवलपमेंट पॉलिसी और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तब्दील हुई दुनिया भर के मुल्कों में। जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है रॉबर्ट एस मैकनमारा पे के, उन्होंने बहुत सारे डिक्टेटर्स को बहुत बड़े बड़े कर्ज़े दिए, जो कर्ज़े इस्तेमाल नहीं हुए उन मुल्कों की डेवलपमेंट के लिए। इसमें चिली की मिसाल बहुत साइट की जाती है, इसमें रोमानिया की मिसाल बहुत साइट की जाती है। ये दोनों मुल्क एक वक्त में डिक्टेटरशिप में थे और बहुत बड़े कर्ज़े इनको दिए गए, जो डिक्टेटर्स ने अपने प्राइवेट पर्पसेस के लिए या अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट्स के लिए यूज़ किए और उसके नतीजे में बहुत पावर्टी बढ़ी।
एक जो बहुत बड़ी तब्दीली आई डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में या डेवलपमेंट पॉलिसी में जब रॉबर्ट एस मैकनमारा ने ज्वाइन किया वर्ल्ड बैंक को, वो रूरल डेवलपमेंट पे बैंक का फिनोमिनल फोकस का बढ़ना है। उसके नतीजे में बहुत मसाइल जो शहरों के मसाइल थे वो नज़रअंदाज हुए। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समटाइम्स एंटी अर्बनिज़म या एंटी अर्बन बायस भी कहा जाता है। उन्होंने उनका ये ख्याल था मैकनमारा का कि पॉवर्टी रूरल मसला है और रूरल डेवलपमेंट के ज़रिए ही दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो बहुत पैसा रूरल डेवलपमेंट के लिए खर्च किया गया जिसके नतीजे में अर्बन एरियाज़ नज़रअंदाज हुए और बहुत सारे डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स ये नहीं देख सके कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत बढ़ रही थी उन्हीं सालों में, और जो नए इकोनॉमिक सेंटर्स थे उनका डायनामिज्म अर्बन बन रहा था रूरल की बजाय। तो अब ये देखें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुल्कों में जो शहरी इलाके हैं वो उस तरह डेवलप नहीं हो सके जिस तरह उनको डेवलप किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो फ्यूचर के इकोनॉमिक सेंटर थे। अगर हम 1970s में खड़े होके देखें अब के शहरों को, तो हमें पता चलेगा कि उस वक़्त अगर ये समझा होता कि फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मरकज़ शहर होंगे, तो शहरों पर भी एक बैलेंस तरीके से पैसे खर्च किए जाते, तो आज शहरों के मसाइल इस कदर शायद गंभीर ना होते। तो ये तब्दीलियां थीं जो वर्ल्ड बैंक में लाई गईं रॉबर्ट एस मैकनमारा के ज़ेर असर, और इन तब्दीलियों के पीछे उनकी अपनी पर्सनैलिटी का बड़ा रोल था, उनके अपने बिलीव्स का बड़ा रोल था, जिसमें सिस्टम्स एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मेथड, क्वांटिफिकेशन को वो बहुत अहमियत देते थे। कुछ लोगों ने वर्ल्ड बैंक में काम किया है और रॉबर्ट एस मैकनमारा के साथ काम किया है, उनका ये कहना है कि चूंकि रॉबर्ट एस मैकनमारा डेटा और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे, तो बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स जहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं होता था वहाँ पे वो डेटा खुद क्रिएट कर लेते थे ताकि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। इसके नतीजे में बहुत सारे डिसीजन वर्ल्ड बैंक में जो लिए गए हैं उनके ज़माने में, शायद वो दुनिया को पॉवर्टी और दूसरे मसाइल से नहीं निकाल सकते थे और उन्होंने नहीं निकाला। तो आप जब पॉलिसी एनालिसिस के मेथड्स को पढ़ें तो ये भी देखें कि कौन से मेथड्स की इनहेरेंट नाकामियां क्या हो सकती हैं या लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं और उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। तो आप जो नए मेथड्स अब डेवलप हो रहे हैं जिसमें क्वालिटेटिव या नैरेटिव आर्गुमेंटेटिव मेथड्स हैं पॉलिसी एनालिसिस में, उनको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं अगर आप रॉबर्ट एस मैकनमारा के आइडियाज़, उनकी एप्लीकेशन और उनके इम्पैक्ट्स को एक मरतबा थोड़ा ओवरव्यू कर लें या समझ लें।